जय हिंद सभी को। जनरल साइंस मिसलेनियस पैक्ट फटाक से सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ें, मजा आने वाला। अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा जो आप लोगों से बनेंगे भी। जल्दी जुड़ें सभी लोग, MBPSC व्यापम NTPC सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सारे वनडे एग्जाम के लिए। जल्द से जल्द जुड़ें, फटाफट जुड़ते जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी जुड़ते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं। फटाफट आते जाएं, जल्दी जल्दी। जय हिंद सभी को, जल्दी जुड़े। रूपा पाल जी जुड़ चुकी हैं, सोनल मंसूरी जी जुड़ चुकी हैं, ठीक। और भी सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। सीमांत, अनुप्रिया, शिवम गुप्ता जी, जल्द जल्द सभी आए फटाफट। शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो, प्लीज वीडियो शेयर करते जाइए। सत्यम सैनी जी आ चुके हैं क्लास में, सत्यम सैनी जी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सीमान। विकास सर का मैसेज आया है कि सर मैसेज कन्वे कर दें प्लीज़ कि विकास सर की क्लास नेटवर्क इशू की वजह से डिसकनेक्ट हुई थी। ओके, जो विकास सर की क्लास थी वो नेटवर्क इशू के कारण डिसकनेक्ट हो गई थी, तो वो मैसेज उन्होंने कन्वे करने बोला है। ठीक है सर, मैंने कन्वे कर दिया है मैसेज, बच्चों तक बात पहुँचा दी है। गुड आफ्टरनून प्रशांत, शेयर कर दीजिए वीडियो फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी शेयर करिए। प्रशांत सैन जी गायब हैं, अनुप्रिया गायब है, हर्षा गायब हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग आए फटाफट। चलिए सुनिएगा, सीधे अपन फैक्ट्स पे चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका प्रयोग वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व, दैट मींस एयर और गैस के वेट और डेंसिटी फाइंड करने में जो भी यूज होता है, उस उपकरण का नाम बताइए। गुड आफ्टरनून अनुप्रिया, उस उपकरण का नाम बताइए जो एयर और गैस के वेट और डेंसिटी को मेजर करने में यूज होता है। जय हिंद विकास सर जी। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। भार और घनत्व, दैट मींस वेट एंड डेंसिटी। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका प्रयोग वायु और गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में यूज होता है। फटाक से जल्दी आंसर चाहिए मेरे को, इतना टाइम नहीं चाहिए। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी होशियार लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग आंसर, सभी लोग अपने आप पे होशियार हैं, सबके आंसर्स आते हैं। मान के चलता हूँ सब लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है सबकी, सिर्फ अपने आप को पॉलिश करना है, तो पॉलिश करने का अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। प्लीज फटाक से आंसर चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो कि एयर और गैस के मास और डेंसिटी को फाइंड करने में यूज किया जाता है। उस उपकरण का नाम बताइए। लक्ष्मी गोस्वामी जी जुड़ चुकी हैं अपने साथ, चलिए मैं बताता हूँ आंसर। सीमांत बोल रहे हैं हाइड्रोमीटर,
सीमांत बोल रहे हैं हाइड्रोमीटर। और कोई आंसर? रूपा जी बोल रही हैं मैनोमीटर। रूपा जी बोल रही हैं मैनोमीटर। सीमांत हाइड्रोमीटर डेंसिटी तो ठीक है लेकिन लिक्विड की डेंसिटी के लिए यूज़ होता है हाइड्रोमीटर। सीमांत जी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। यहाँ पे आंसर जाएगा वायु की बात हो रही है। देखना वायु की बात हो रही है। मोहित झारिया जी सर पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा से बात नहीं है, मेरा मतलब ये था कि आप लोगों ने सारी चीज़ पढ़ के रखी हैं, सिर्फ अपने आप को पॉलिश करना, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, बस मेरा मतलब ये था। आप लोगों ने सब पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में है चीज़ें, आप उसको पहचानिए, बस आप थोड़ा सा भी कॉन्सनट्रेट करेंगे आंसर अपने आप आपसे बनेंगे। इसको बिल्कुल नेगेटिव तौर पर ना लें, पॉजिटिव तौर पर लें इसको। सब पढ़ा है अपन ने बचपन से लेकर अभी तक, सारी चीज़ अपन ने पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनको पॉलिश करना है, एक बार बाहर लेके आना है बस। तो मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, जो वायु है, वायु के इंग्लिश में बोलते हैं एयर, वायु के इंग्लिश में बोलते हैं एयर। तो इस उपकरण का प्रयोग जो भी है उसका आंसर है आपका एरोमीटर। आपका आंसर है एरोमीटर। एरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है, एरोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, वायु और गैस का भार तथा घनत्व फाइंड करने के लिए एरोमीटर का यूज़ होता है। मयंक गिरी जी जुड़ चुके हैं अपने साथ। मयंक बहुत दिनों बाद आप क्लास में आए, चलिए डेली आया करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हवा की शक्ति तथा गति को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है? एयर का पावर और स्पीड, हवा की गति और शक्ति किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है? ठीक मुझे रिवीजन हो जाएगा। रूपा पाल जी एरोमीटर बोल रही है, पुराना आंसर मैं अभी पूछा कि हवा की शक्ति तथा गति को मापते हैं किससे? हवा की शक्ति और गति को मापते हैं किससे? किस उपकरण के द्वारा हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है? From which instrument we can measure the power and speed of wind? रूपा पाल जी का आंसर आया है एनेमोमीटर। और कोई आंसर देगा क्या? रूपा पाल जी का आंसर आया है एनेमोमीटर। ठीक है रूपा जी, आपका आंसर आ गया एनेमोमीटर। ठीक, और कोई बोलेगा? बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। अनुप्रिया का आंसर भी आ गया एनेमोमीटर। सीमांत भी बोल रहे हैं एनेमोमीटर। ठीक, और भी आंसर चाहिए? हर्षा जी नहीं जुड़ी हैं क्या आज क्लास में? एनेमोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। जो हवा की, अपने एनेमोमीटर को जोड़ के देखिएगा एनिमी से, एनेमोमीटर को जोड़ के देखिएगा एनिमी से, और जो अपना एनिमी अपने साइड आता है वो हवा की रफ्तार से आता है लड़ने के लिए। अपना एनिमी अपने साइड हवा की रफ्तार से आता लड़ने के लिए, तो हवा की रफ्तार को आप मेज़र कर सकते हैं एनेमोमीटर से। किससे मेज़र कर सकते हैं आप? एनेमोमीटर से। ठीक, अगला क्वेश्चन, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का यूज़ होता है? ठीक, उठा दीजिए। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए होता है? किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ उड़ते हुए एरोप्लेन की हाइट चेक करने के लिए किया जाता है? फटाक से जल्दी, किस उपकरण का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? रूपा पाल जी का पहला आंसर अल्टीमेटर। अल्टीमेट आंसर रूपा जी।
रूपापाल जी का पहला आंसर है अल्टीमीटर। और कोई आंसर देना चाहेगा क्या? पहला आंसर रूपापाल जी का आ चुका है अल्टीमीटर। और कोई आंसर? जितने लोग हैं सभी लोग आंसर दें फटाफट। अल्टीमीटर आंसर है। अंकिता चौकसे जी का आंसर भी आ चुका है अल्टीमीटर। तो मैं बता दूं, अंकिता चौकसे जी का और रूपापाल जी का दो ही आंसर आए हैं, और मैं वेट करूं कि आंसर बोलूं। थोड़ा सा टाइम और दिया आपको, जल्दी से फटाक से। मयंक जी आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, जुड़े हैं तो आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दिया करिए। किसका आंसर पहले आता है, कंपटीशन रखा करिए, ये नहीं कि वेट करते रहेंगे। वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए प्लीज़। अल्टीमीटर आंसर बिल्कुल सही है। अपन बोल सकते हैं कि देखो वो विमान क्या अल्टीमेट हाइट पर उड़ रहा है, देखो वह विमान क्या अल्टीमेट हाइट पर उड़ रहा है। अगर अपन ने बोला कि वो विमान अल्टीमेट हाइट पर उड़ रहा है, तो अलग से याद आ जाएगा आपको अल्टीमेट से अल्टीमीटर, अल्टीमेट से आपको याद आ जाएगा अल्टीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम उड़ते हुए विमान की ऊँचाई नाप सकते हैं। अल्टीमीटर से हम उड़ते हुए विमान की नाप सकते हैं, ठीक है। वायु दाब मापने में काम आता है, वायु दाब दैट मीन्स एयर प्रेशर। किस इंस्ट्रूमेंट से हम एयर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से हम एयर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से हम एयर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं? फटाक से आंसर जल्दी। बैरोमीटर, बैरोमीटर रूपापाल जी का आंसर आया है, बैरोमीटर अनुप्रिया जी का आंसर आया है, बैरोमीटर रूपापाल जी का आंसर आया, बैरोमीटर अनुप्रिया जी का आंसर आया, बैरोमीटर। और आंसर चाहिए मेरे को, बैरोमीटर एयर प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर एयर प्रेशर। पहला आंसर है अनुप्रिया का, पहला आंसर रूपा जी का, दूसरा है अनुप्रिया का, तीसरा सीमांत का, पारस जी का भी आंसर आ चुका है मेरे पास, अभिलाषा जी का भी आ चुका है, अंकिता जी का भी आ चुका है, सोनल मंसूरी जी का भी आ चुका है। तो बैरोमीटर आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बैरोमीटर आंसर बिल्कुल सही आंसर है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बैरोमीटर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज, हम ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में यूज करते हैं, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम में आता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जो कि तांबे का बना होता है, जो कि तांबे का बना होता है, वह उपकरण बताइए जो तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम में आता है, और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम में आता है, ऊष्मा मतलब हीट। अभिषेक साहू जी अगला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, उसका आंसर दीजिएगा फटाक से। जल्दी आंसर चाहिए मेरे को सभी से।
कैलोरी मीटर, पहला आंसर आया सीमांत का, पहला आंसर आया है सीमांत का कैलोरी मीटर। नो आइडिया रूपापाल जी बोल रहे हैं, कैलोरी मीटर आंसर बिल्कुल सही है, कैलोरी मीटर आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो तांबे का बना होता है और हीट की मात्रा नापने के लिए यूज़ किया जाता है, वह उपकरण जो तांबे का बना होता है और हीट की मात्रा नापने के लिए यूज़ किया जाता है वह होता है कैलोरी मीटर, वह होता है कैलोरी मीटर। इस करेक्ट, बिल्कुल सही, कैलोरी मीटर सही है। अगला क्वेश्चन, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जो पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है और उसके हेल्प से हम पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार करते हैं, उसके हेल्प से हम पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार करते हैं और नॉर्मल बहुत ही यूज होता है वो, उस उपकरण का नाम बताइए जो अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में यूज होता है, इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। रूपा पाल जी का आंसर आ चुका है कार्ब्यूरेटर, रूपा पाल जी का आंसर आ चुका है।